Today we are going to discuss about ecosystem services. Basically, we have discussed some of these services yesterday, like atmospheric and climate regulation, erosion control, watershed protection. तो इसमें हमने इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल इरोजन कंट्रोल कैसे करता है फॉरेस्ट. बेसिकली जो फॉरेस्ट रूट्स होते हैं दे एक्ट एज अ स्पंज, जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो पानी बहता नहीं है. एंड देन एज अ रिजल्ट जो है वो पानी ठहरता है सॉइल में. एंड देन सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है डिक्रीज होती है, फ्लड्स की प्रॉब्लम है वो डिक्रीज होती है. एंड देन ड्रॉट्स जो होते हैं, लीन सीजन जो होते हैं, जैसे समर सीजन आने वाला है जिसमें रेनफॉल यूजुअली कम होती है, तो उसमें उस ड्रॉट सीजन में अवेलेबल रहता है वाटर इन ग्राउंड वाटर और इन सॉइल मॉइस्चर. तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कैसे रेगुलेट करता है फॉरेस्टस. तो बेसिकली इसमें हमने एक एग्जांपल दी थी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है. तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू द ऑक्सीजन साइकिल, और एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन हम जो है इनहेल करते हैं एनिमल्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, तो पूरा बैलेंस बना के रखता है फॉरेस्ट, चाहे वो एक्वाटिक हो या टेरिस्ट्रियल फॉरेस्ट हो. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्बन साइकिल, कैसे फॉरेस्ट एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स, दे स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ द बायोमास, जो उनका वुड होता है, वुड कंपोनेंट, उसमें वो स्टोर करते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं देन ट्रीज दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास. तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हवा में छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है, इंडस्ट्रीज है, अदर जो कन्वेंशनल एनर्जी है, फ्यूल्स है, पेट्रोलियम वगैरह, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हम जितने फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे उतना वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा. जितना हम डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी एटमोसफेयर में, एंड दैट विल रिजल्ट इन टू द ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है दैट विल बी द क्लाइमेट चेंज, द इरेटिक एंड इरेगुलर वेदर कंडीशंस, वेदर फिनोमेना, जैसे अभी बारिश होगी तो फिर धूप आ जाएगी, तो फिर हेल स्टॉर्म होगी एट द सेम इन द सेम डे. उसमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर एनोमलीज होती है. एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. यही जैसे ये रिलेटेड है हर कोई चीज़, चाहे वो सॉइल इरोजन है, फ्लड्स है, ड्रॉट है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है आपस में. लेट मी एडमिट ऑल. ओके, तो मैं कह रहा था जैसे कार्बन साइकिल जो है दैट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग. कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गई इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस या बिकॉज ऑफ द सर्टन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम कोल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, देन जो है ग्लोबल वार्मिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो ये जो फॉरेस्ट है ये इस टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. तो मैंने पर्सनली भी विटनेस किया है, एक शार्प ट्रांजिशन था जब मैं दिल्ली में रहता था, तो समर्स में पर्टिकुलरली वहाँ पे कैंपस जो था यूनिवर्सिटी का बहुत ही ग्रीन कैंपस था, दैट वाज कवर्ड विद वेरी टॉल ट्रीज. तो आउटसाइड जो दिल्ली उसमें फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, तो आउटसाइड यूजुअली टेम्परेचर 46, 47, इवन 49 तक जाता था जो जून, मई जून के महीने में. देन वी विटनेस दैट इज अ शार्प डिप इन टेम्परेचर. जब हम कैंपस में जाते थे तो वहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता था. तो ये तो एक लोकल इम्पैक्ट है फॉरेस्टर्स का कि वो टेम्परेचर को कैसे मॉड्यूलेट करते, बिकॉज जो उसमें ट्रांसपरेशन होती है और इवापरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा. वैसे ट्रांसपरेशन भी कूलिंग इफेक्ट जो है डेवलप करता है.
तो मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि वहाँ पे हम जब रहते थे रूम में, तो वहाँ पे गर्मी, हॉस्टल के रूम बहुत छोटे होते हैं, तो अब जो है वहाँ पे फैन हुआ करता था एक, तो एसी वगैरह तो नहीं है, तो उसमें क्या करते थे हम, एक बड़े बर्तन में या एक बड़े टब में उसमें पानी रखते थे, या जो कोई कपड़ा भिगो के रखते थे, तो उससे जो फैन की हवा से वो वाटर इवोपरेट होता, तो वो पूरा जो है रूम कूल हो जाता था। वैसा ही इम्पैक्ट देते हैं फॉरेस्ट्स भी, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जितने हम फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे, इतना इवापो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा, एंड देन इट विल काज द कूलिंग इफेक्ट। उतना भी नहीं होता है, बट थोड़ा सा मॉडुलेट करता है, एंड देन देर विल बी मोर रेन्स। तो वो जो है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उसको एनहेंस करता है, उसको पूरा रेगुलेट करता है फॉरेस्ट्स। एंड देन इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में क्या होता है, बेसिकली सॉइल इरोजन के साथ रिलेटेड है। एक जो टॉप सॉइल जो होती है, टॉप लेयर ऑफ द लिथोस्फेयर, उसको हम सॉइल बोलते हैं। तो लैंड एंड सॉइल में क्या फ़र्क है कि एक सॉइल एक लिविंग एंटिटी होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड जैसे सॉइल में जो कंपोशन होता है बेसिकली, उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स तकरीबन 45% होते हैं, एंड देन 5% के आसपास उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड देन 40% के आसपास उसमें एयर होता है। तो इट डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल, तो ये जो है रेंज वेरी कर सकती है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वो जो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, तो ये एक लिविंग एंटिटी है सॉइल को, हम इसमें हम देखते हैं उसमें न्यूट्रंट्स भी होंगे, उसमें फर्टिलिटी लेवल भी होगी। तो लैंड एक जनरल टर्म है, जैसे प्लांट्स एक जनरल टर्म है, फिर ट्रीज अलग आते हैं, श्रब्स अलग आते हैं, तो वैसे ही इसमें भी सॉइल एक लिविंग एंटिटी है। तो सॉइल को प्रिजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 5 या 1 इंच ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल, उसको बनने में हजारों साल लगते हैं बिकॉज ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स वो जो कटाव होता है, किस चीज़ का कटाव होगा, फॉर एग्जाम्पल पत्थर पे कटाव होता है, वो उसको पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब उसको तोड़ देता है। तो बायोलॉजिकल फोर्सेस अगर होंगे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपने एंजाइम्स वगैरह छोड़ते हैं, उससे वो ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद फिजिकल वेदरिंग, जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग वगैरह होती है, इसकी वजह से भी होता है, या वो जो है ऊपर से नीचे आ जाता है, पहाड़ की जो चोटी से नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर। तो हम जो पत्थर वगैरह देखते हैं, गोल पत्थर, अपने जो स्ट्रीम्स वगैरह में हम जब एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, वो एक स्टेज है सॉइल फॉर्मेशन का। तो फिर नीचे आता है दरिया में, वो रेत बन के आता है, तो उसके बाद भी उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वैसे केमिकल प्रोसेसेस भी होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं विद इन द सॉइल ऑन द लैंड, तो उसकी वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो एक सॉइल एक बहुत ही कीमती चीज़ है, इसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेस्ट का, बेसिकली इनके रूट्स वगैरह इसको बाइंड करते हैं ताकि ये पानी के साथ ना बहे। तो इसमें इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स में जो लीव्स वगैरह जो ऊपर से गिरते हैं, उसमें वो ह्यूमस जब डेवलप होता है, वो भी एब्जॉर्ब करता है वाटर, दे एक्ट एज अ स्पॉन्ज। जो हम घर में स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ना, उसमें पानी कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, तो वैसे ही तो जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जिसमें रूट्स होते हैं या अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो, जैसे फंजे होता है जिसको हम वेजिक्यूलर ऑर्बिस्क्यूलर माइकोराइजी भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली प्लांट्स रूट्स के साथ फंजे जो होते हैं इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, उसमें भी जो है सॉयल वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है प्रिजर्व रहते हैं सॉयल में। तो प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक प्लांट के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि फंजे प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम वैम बोलते हैं, VEAM, वैम। तो आप सर्च कीजिए नेट पे, तो आपको मिल जाएगा पूरा इंफॉर्मेशन कैसे वो रूट्स जो है प्लांट्स के रूट्स पे जो है फंजे उस पे ऐसा होस्ट रहता है। जैसे राइजोबियम, जो ऐसे लिग्यूम्स होते हैं ना, पल्स वगैरह, उसके रूट्स पे राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वैसे ही फंजे भी होता है। तो एक पूरा नेटवर्क होता है अंडरग्राउंड, जिससे सॉइल प्रिजर्व होती है। एंड देन ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को,
जितना भी हम हमारा जो रूट से ऊपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, बाय द जो वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय द ट्रांसपिरेशन, तो न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। तो लीव्स वगैरह में जो है न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, फिर वो नीचे जब गिरते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो एक साइकिल जो है साइकिल को एनहेंस करता है रूट्स से, जो डीपर लेवल्स में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, तकरीबन 1 मीटर या 1.5 मीटर, जहाँ तक रूट्स जा सकते हैं प्लांट्स ट्रीज के। प्लांट्स के रूट्स उतने डीप नहीं जाते, बट ट्रीज के जो रूट्स है बहुत ही डीपर लेवल तक जा सकते हैं। वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ से एब्जॉर्ब करके फिर अपने बायोमास में लाते हैं, देन दैट बायोमास गेट इज डिकम्पोज। वो जो डिकम्पोजन के बाद सॉइल में वो सब न्यूट्रिएंट्स फिर से आते हैं, एंड देन सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो ह्यूमस लेवल जो है सॉइल का इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमस में बहुत सारे जो डिग्रेड जब होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, जिसपे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, चाहे अर्थ वर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजे हो, एक्टिनोमाइसिटिस हो, या कोई भी हर्बीवोर्स हो। तो वो अपना जो है अपना डाइजेशन के बाद जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो डंक वगैरह निकलता है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फैलता है पूरे फॉरेस्ट फ्लोर पे। तो फॉरेस्ट फ्लोर बहुत ही जो है जरखेज होती है, उसकी फर्टिलिटी लेवल बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज जो फॉरेस्ट के रूट्स है डीपर लेवल्स से जो न्यूट्रिएंट्स लाते हैं ऊपर की जो बायोमास में। तो उसके अलावा वाटर फ्लो कंट्रोल, अगर आप देखोगे किसी भी ट्री पे, जो बड़ा ट्री है, तो अक्सर रेनी सीजन में उसमें पानी नीचे नीचे आ जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे, एक जैसे रेनफॉल नीचे आती है तो एकदम से, तो जब वो ज़मीन पे गिरती है तो एकदम से वो बहने लगती है। तो क्या करता है ट्रीज से जो है वाटर फ्लो, रेनफॉल का फ्लो जो है उसको डिक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है, सॉइल पानी को ज्यादा टाइम मिलता है, पानी सॉइल पानी को सॉइल को ज्यादा टाइम मिलता है पानी को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि स्पीड जब कम हो जाएगी वाटर की, तो धीरे धीरे जब चलेगा देन इट हैव मोर टाइम टू गेट एब्जॉर्ब इन टू द सॉइल। तो फिर जो हमारे वाटर रिसोर्स है, जैसे ग्राउंड वाटर है, स्ट्रीम्स है, तो इसमें जो है एकदम से पानी नहीं आ जाता है जैसे स्ट्रीम्स वगैरह में, बट दैट गेट्स एब्जॉर्ब टू द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में जब वो पानी चला जाता है तो वो किसी भी स्प्रिंग, जैसे एक्विफर होता है स्प्रिंग, कहीं दूर जो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड डिफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो अंडरग्राउंड का पानी बाहर आता है, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, चश्मा कहते हैं, तो उसकी सूरत में वो पानी बाहर आता है, या हम तब तक उसको एज अ ओपन डग वेल जो होता है या बोर वेल होता है, उसकी सूरत में उसको बाहर ना लाए, तब तक वो जमीन के अंदर ही रहता है। तो उसके अलावा हैबिटेट, जो फॉरेस्ट्स, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल्स, चाहे वो ये डिपेंड करता है किस टाइप का जो फॉरेस्ट है, उस टाइप में किस किस टाइप के एनिमल रह सकते हैं। जैसे यहाँ के जो फॉरेस्ट है इसमें टॉप कॉर्निवोर जो से यूजुअली लेपर्ड्स होते हैं, टाइगर एंड लायन नहीं होते, बिकॉज ये उनके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं है, कंजीनियल क्लाइमेट नहीं है, तो अक्सर यहाँ पे लेपर्ड्स पाए जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा रिसेंटली एक बच्ची को अटैक किया है लेपर्ड ने, उसको मतलब उसने शिकार उसको उठा के जंगल में ले गया एज ए शिकार जैसे उसको। तो वो क्या, हम धीरे धीरे ह्यूमंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वाइल्ड लाइफ जो है उनके हैबिटेट में हम घुसे, जानवर हमारे हैबिटेट में नहीं घुसे बट हम उनके हैबिटेट में घुसे। हमको ये पता नहीं चला कि हमने फॉरेस्ट्स को कितना इनक्रोच किया है, एंड देन वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू आवर होम्स। तो वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं उनके पास तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो जब निकलते हैं जो उनके सामने आता है, तो अक्सर आजकल पांपोर में भी जो है रिसेंटली वहाँ पे एक लेपर्ड को पकड़ा गया, एंड यहाँ पे भी पटन के एरिया में भी पकड़ा गया एक लेपर्ड, क्योंकि वो जो है नीचे आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि ह्यूमंस ने उनके हैबिटेट को एनक्रोच किया। तो फॉरेस्ट दे एक्ट एज एन, जो फॉरेस्ट में है मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा रहते हैं, ना कि जो है जैसे जूज वगैरह में हम इन ह्यूमन कैपिटेशन जो हम रखते हैं, बट मोस्टली जो है जैसे हांगुल है, दाचीगाम नेशनल पार्क में है, गिर फॉरेस्ट में लॉइन है,
तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स, तो इसमें एक कंजर्वेशन का पॉइंट भी आता है कि हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कितना रखेंगे, देन नेशनल पार्क्स कितने हैं. तो आपके लिए आप एक के लिए एक असाइनमेंट है, आप जाके देख लीजिए व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया करेंटली. बिकॉज वो टाइम वो जो उसका जो स्टैटिस्टिक्स है हर साल या हर महीने चेंज होता रहता है. तो राइट नाउ देर आर 566 नेशनल पार्क्स एंड अराउंड 102 और समथिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कुछ तकरीबन ऐसे ही 50-60 के आसपास प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे. मुझे मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बट जो है बेसिकली ह्यूमंस इन चीज़ों को क्यों प्रोटेक्ट करता है, फॉर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो ये थे कि क्या हमारे पास इसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करना, जैसे मैंने कल सोशल फॉरेस्ट की एक एग्जाम्पल दी थी कि कैसे ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे व्हीकल से धुआं वगैरह निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, हीट निकलती है, उसको कैसे वो मॉड्यूलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. वो तो ये भी एक इकोसिस्टम सर्विस है फॉरेस्ट्स की. उसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस जैसे इकोसिस्टम्स में हम दे एक्ट एज एन एजुकेशन, जैसे आप एजुकेशन या रिक्रिएशनल के लिए जाते हैं, बॉटनिकल टूर पे जाते हैं, जोलॉजिकल टूर्स पे जाते हैं, जियोग्राफिकल टूर्स पे जाते हैं, देन दैट इज़ वन ऑफ द सर्विस ऑफ इकोसिस्टम. आप वहाँ पे जाके सीखते हैं नेचर को, कैसे अल्लाह ताला ने या ऑलमाइटी ने दुनिया को बनाया है, ये कैसे काम करता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस. उसके बाद रिसर्च, रिसर्च में जैसे डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह या वाइल्ड लाइफ भी रिसर्च करनी हो तो वो भी आता है इसमें. एस्थेटिक्स, स्पिरिचुअल, ये सब जो है एक कल्चरल सर्विसेज आती है ऑफ इकोसिस्टम. ये इस कल्चरल सर्विस आती है फॉरेस्टर्स की अंडर इकोसिस्टम सर्विसेज. अब फॉरेस्टर्स में मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज डिफॉरेस्टेशन. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया फॉर डेवलपिंग देयर सिविलाइजेशंस, फॉर डेवलपिंग द सिटीज एंड टाउन्स. तो उन्होंने जब हम कल बता रहे थे 40 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इज अवेलेबल ऑन, तो ये जो लैंड है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है. एवरी सेकेंड एक फुटबॉल जो ग्राउंड होता है उसकी साइज का जो फॉरेस्ट एवरी सेकेंड खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, आइदर फॉर गोइंग फॉर द अर्बनाइजेशन और फॉर गोइंग टू द इंटेंसिव काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. तो अब इसमें क्या क्या काजेस है, जैसे मैंने अभी कहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो उसमें हमें और भी लैंड चाहिए फॉर सेटलिंग द कॉलोनीज वगैरह जो ह्यूमन कॉलोनीज है, तो उनके लिए जो घर वगैरह बनाने हैं. देन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज बेसिकली एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्ट बर्मा जो है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया है. उसमें क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड जो है ये उसमें जो ट्रीज होते हैं उन ट्रीज को बर्न करते हैं. ये जैसे यहाँ पे दिखाया एक पैच है, इसको बर्न करते हैं और उसमें फिर जो है एग्रीकल्चर करते हैं फॉर 3-4 ईयर्स, जब तक ना इसकी सॉयल की जो फर्टिलिटी है डिक्रीज हो जाएगी. तो फिर ये पैच को ऐसे ही छोड़ के नया पैच ले लेते हैं, उसको फिर ऐसे ही जलाते हैं. इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, इसको तुंगिया सिस्टम भी बोलते हैं इसको. ये बेसिकली बर्मा से आया है ये कल्टीवेशन, बट ये भी एक रीज़न है जिससे जो है फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन जो है इंक्रीज हुई है. तो उसके अलावा ग्रोइंग फूड डिमांड, तो इसमें हम बेसिकली मोर फॉरेस्ट्स को हम लाते हैं इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एरिया में लाते हैं. तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनको फीड करने के लिए जो ह्यूमन मॉनस्टर्स होते हैं, मॉनस्टर बेसिकली एक ह्यूमंस को फीड करने के लिए हमें और एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत है. इधर वी इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द एरिया, और वी इंक्रीज प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी होती है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा
जो है उसमें प्रोडक्शन हम इंक्रीज करें पर यूनिट एरिया, बट प्रोडक्शन होता है ओवरऑल, उसमें हम एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एरिया उसमें हम लाएंगे अंडर कल्टिवेशन। उसके अलावा फायरवुड के लिए ये भी एक रीज़न है फॉर डिफॉरेस्टेशन, एंड रॉ मटेरियल फॉर वुड बेस्ड इंडस्ट्री जैसे फर्नीचर, प्लाई, मैच बॉक्स इंडस्ट्री से, इनके लिए भी जो रॉ मटेरियल आता है दैट कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, जैसे पेपर है, पल्प इंडस्ट्रीज है, तो फॉरेस्ट, जैसे हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द एनजीओज और कंपनी जो एनवायरमेंट के रिलेटेड काम करते हैं दे बेसिकली गो फॉर द ई ऑफिस काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें मैं भी एक ऐसी टाइप ऑफ कंपनी में काम किया हूँ, वहाँ पे पूरा जो पेपर पे कुछ काम नहीं होता था, एवरी कम्युनिकेशन वॉज सेंट थ्रू द मेल, एक उनका इंटरनल मेल सिस्टम था, तो किसी को भी जैसे छोटी से छोटी चीज़ पूछनी हो तो वो मेल का इस्तेमाल करते थे, पेपर का बहुत ही बहुत कम यूज़ करते थे। तो एक इनिशिएटिव था कि कैसे हम पेपर को जो है कम यूज करेंगे एंड देन कैन लीड रिडक्शन इन द डिफॉरेस्टेशन, तो पेपर की डिमांड कम हो सकती है, बट इसको हम फिर अगर हम लार्ज लेवल पे करेंगे तभी जाके इसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े बड़े डैम्स वगैरह हम बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, छोटा छोटा सा भी हमें कोई पुल वगैरह बनाने होते हैं उसके लिए भी हम पहले डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग अगर हम करते हैं तो उसको भी वो पूरा एरिया पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। तो रिसेंटली आई गेस इन मुंबई उनको रेल प्रोजेक्ट बनाना था, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, तो उन्होंने 5,000 की 5 लाख के आसपास ट्रीज को काटा वहाँ पे एक एवेन्यू बनाने के लिए। तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अगर एक सोची समझी जो है स्ट्रेटजी के तहत नहीं बनाए गए देन इट कैन लीड टू द डिफॉरेस्टेशन। अगर हम डैम्स बनाते हैं डैम्स से भी जो पानी उसमें जमा होता है तो वो सबमर्ज होता हो जाता है फॉरेस्ट, वो धीरे धीरे उसमें जो है एनॉक्सिक कंडीशंस डेवलप होती हैं वो मर जाते हैं। रोड्स वगैरह जब हम बनाते हैं इसमें भी फॉरेस्ट्स के बीचों बीच अगर हम हाईवेज रोड्स बनाएंगे देन दैट कैन लीड टू द डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज वो एक्सेस देता है इन टू द डिफॉरेस्ट, और जो हैबिटेट है वो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाती हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज ने उनने एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स बनाए। इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जब हाईवे जो किसी भी फॉरेस्ट के बीच में चल रहा है तो एनिमल्स को जो है अपने हैबिटेट में घूमने फिरने के लिए जो है रोड्स को क्रॉस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से है बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने एक जो है फ्लाईओवर जैसा बनाया है जिसको एज ए शेप दी है जैसे वो एक पार्ट है फॉरेस्ट का, तो जो एनिमल्स है वहाँ से क्रॉस होते हैं फ्रॉम अगर उनको रोड्स वगैरह क्रॉस करनी हो तो वहीं से वो क्रॉस करते हैं। तो इस टाइप की जो अगर आप डेवलपमेंट करते हैं देन यू हैव टू थिंक हाउ टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सच डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम, ऑन फॉरेस्ट्स। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉरेस्ट फायर जो है पिछले साल ही की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो है फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हुए, ग्रीक में हुए एंड कैलिफोर्निया में हुए, बिकॉज इसके बहुत सारे जो है रीजंस हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर्स, जैसे ह्यूमंस जाते हैं रिक्रिएशनल पर्पस के लिए इन द फॉरेस्ट्स, तो वहाँ पे वो चाहे वो सिगरेट्स वगैरह मैच बॉक्स यूज करते हैं तो उससे भी आग लगती है, लाइटनिंग की वजह से भी आग लगती है, जैसे लाइटनिंग होती है बिफोर द रेन्स उसकी वजह से भी आग लगती है, और विंड से भी आग लगती है, बिकॉज जब विंड्स होती है तो ट्रीज के ट्रंक्स आपस में वो रब हो जाते हैं तो वहाँ से एनर्जी डेवलप होती है तो उससे भी आग लगती है। तो ये सब रीजंस है। तो रिसेंटली जो फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट्स इंक्रीज क्यों हुए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2-3 डिकेड्स। तो उससे क्या होता है कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पे कैलिफोर्निया जो यूएसए के है एक स्टेट है तो वहाँ पे यूजुअली टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, तो वहाँ पे इंसिडेंट्स ऑफ फायर जो वाइल्ड फायर है ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो है पर्टिकुलरली इन ऑस्ट्रेलिया उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो फॉरेस्ट फायर जो है ये भी बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। बट अगर हम इसको एक पॉजिटिव
वे में ले लेंगे, तो फॉरेस्ट फायर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेशन। सक्सेशन होता है कि कैसे एक सीरीज ऑफ एक जगह पे एक कम्युनिटी जो है उसको एक्सचेंज या उसको रिप्लेस करती बाय अदर कमिटी। इसको सेकेंडरी सक्सेशन का एक प्रिकर्सर हम बता सकते हैं। जैसे कोई भी इकोसिस्टम है, पूरे जो है ट्रीज वगैरह पूरे ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसमें नए ट्रीज आ जाते हैं, फिर कुदरती वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ सक्सेशन है। बट अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड हो रहा है देन देयर इज रियली अ प्रॉब्लम। तो फिर ओवर ग्रेजिंग से भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आप पिछली बार भी आपको बताया था कि कैसे ओवर ग्रेजिंग से एक फॉरेस्ट पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो राजस्थान थार डेजर्ट एक जमाने पूरा लश ग्रीन फॉरेस्ट था बिकॉज ऑफ द ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग कैसे हुई, तो हमने फूड चेन को डिस्टर्ब किया, टॉप कॉर्निवोर्स जो थे उनको हंट किया, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है डेजर्टिफिकेशन से होके फिर वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो गई एंड देन इट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन एंड डेवलपिंग द डेजर्ट्स। द नेचुरल फोर्सेस फ्लड स्टॉर्म्स हेवी विंड्स, इससे भी जो है डिफॉरेस्टेशन होती है, पेड़ वगैरह गिरते हैं, स्नो से भी गिरते हैं, लाइटनिंग से जलते हैं, एंड दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ द दिस डिफॉरेस्टेशन। कैसे कैसे डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है। जो भी हमारे बेनिफिट्स जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं जैसे सॉइल इरोजन, तो वो अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई तो सॉइल इरोजन के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे डिफॉरेस्टेशन है तो यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट ट्री नहीं है, तो देन देयर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन द सॉइल इरोजन इंसिडेंट्स। देन एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स, तो धीरे धीरे जब फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो जाएगा देन डेफिनेटली द डेजर्ट्स का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन द रेनफॉल, जो मैंने भी कहा इवापोट्रांसपरेशन जो है डिक्रीज हो जाती है, एंड देन जो है डेजर्ट्स डेजर्ट नहीं रेनफॉल का जो है फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड उससे उसका ये बड़ा इम्पैक्ट है फॉरेस्ट का। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो मैंने कहा एक पूरा बायोजियो केमिकल साइकिल में एक पार्ट है ट्रीज का, वो भी डिक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, जो क्लाइमेट रेगुलेशन का फॉरेस्ट का जिसमें पार्ट है, दे एक्ट एज ए सिंक टू द कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोसफेयरिक टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करता है, मॉडरेट करता है, तो वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्ट्रेशन। एंड देन लोअरिंग द वाटर टेबल, जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा बिकॉज जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की डिक्रीज हो जाती है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होता है तो वाटर टेबल भी डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द विड्रॉवल रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब रेन्स कम होगी, वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, स्नोफॉल कम होगी, तो डेफिनेटली वाटर अवेलेबिलिटी इन द स्ट्रीम सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वी स्विच ओवर टू द ग्राउंड वाटर, तो वाटर टेबल का जो लेवल इंक्रीज। तो ये ऑल दीज इम्पैक्ट्स कैन लीड टू द इकोनॉमिक लॉसेस, जो हमारा प्रोडक्शन है डिक्रीज हो जाएगा, चाहे वो टिम्बर हो या अदर नॉन टिम्बर है, या प्रोडक्ट टू यूज़ या कंसेप्ट टू यूज़ वैल्यूज जो फॉरेस्ट के वो डिक्रीज हो जाते हैं। एंड देन इट ओवरऑल लीड्स टू द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसकी वजह से एक इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है हो जाता है। तो फिर एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाती हैं ग्रेजुअली, जिसको हम क्लाइमेट चेंज की सूरत में आजकल देख रहे हैं, कैसे हमने फॉरेस्ट को डिक्रीज किया, एंड देन ऑल दीज इम्पैक्ट स्लोली, बहुत जगह वाटर लेवल भी कम है, इकोनॉमिक लॉसेस भी हो गए, देन बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो गया, तो फिर ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की तरह हमें ले जाता है, जो रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है बट मोर बहुत ही मुश्किल है। इट विल टेक अस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कि हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करें, क्योंकि हमें उसके लिए जितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी हमने डिस्ट्रक्शन किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एंड इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्टर, फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो उसके बाद माइनिंग के भी कुछ इम्पैक्ट्स है, तो मैंने थोड़ा सा बताया था कैसे माइनिंग से जो है फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो जाता है, जैसे पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ गोवा कर्नाटका, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है माइनिंग की। तो डैम्स वगैरह का भी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे मैं फॉरेस्ट एरिया जो जम्मू कश्मीर का बताना चाहता था, अर्स्ट वाइल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, अभी तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है, तो उसमें फॉरेस्ट कवर जो है
तो ये ओवरऑल जो एरिया है 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इसमें 50% ऑफ द फॉरेस्ट दे कम अंडर, तकरीबन 51% फॉरेस्ट जो है कश्मीर डिवीजन में है, 45 या 46% जो है दैट कम्स इन द जम्मू एंड लद्दाख में खाली 0.06% है। तो अगर यहाँ देखेंगे आप जियोग्राफिकल एरिया लद्दाख का ज़्यादा है तो, बट यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है कम है, तो उसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर है जो एज पर टू द जियोग्राफिकल एरिया, वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल हम अगर एवरेज देखेंगे तो ये तो इंक्रीज हुआ होगा अभी, ये तो 19.95% था, क्योंकि ये एरिया यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर ये दो एरिया का अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली देर विल बी मोर फॉरेस्ट एरिया, तकरीबन अराउंड मोर देन 46, इन बिटवीन 46 to 50% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जम्मू का जो एरिया है ज़्यादा है, और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी इनका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीजन, बिकॉज वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा आती हैं। तो कश्मीर जो है बेसिकली प्लेन है, इट इज़ अ वैली, तो उसमें फॉरेस्ट एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू द जम्मू। तो अब फॉरेस्ट जो है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या पाए जाते हैं कश्मीर में, दे मेनली आर सिक्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसिड्यूस फॉरेस्ट, जैसे ये शिवालिक्स, जब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जो फॉरेस्ट स्टार्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल ड्राई डिसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं। इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई जाती है प्लांट्स की, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद हम जब अंदर आ जाते हैं टू द जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें हम सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, जो पाइन हमें मिलते हैं। तो उसके अलावा फिर हम जब अंदर चिनाब वैली की तरह जाते हैं, तो वहाँ पे उनको हम हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। देन हम जब और अंदर आते हैं जो कश्मीर वैली के जो फॉरेस्ट है, तो वो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, जो मैंने कल भी बताया था आपको, हिमालयन ड्राई टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन कश्मीर वैली, दे आर हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर जब हम और ऊपर जाते हैं, एलिवेशन इंक्रीज करते हैं, देन देयर आर अल्पाइन फॉरेस्ट, जो जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और भी हम जब कारगिल लेह में जो फॉरेस्ट है उनको हम फॉरेस्ट इन कोल्ड एरिड जोन्स कहते हैं, बेसिकली जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, तो उसमें भी बहुत टाइप्स ऑफ जो है प्लांट्स है जो उस टाइप के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वहाँ पे प्रेशर कंडीशंस है उसको उसमें सस्टेन कर सकते हैं, उस टाइप के जो प्लांट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत सारे जो है, जैसे मैंने यहाँ पे सिद्रस देवदारा है, पाइनस वॉल्चियाना, पाइनस वॉल्चियाना अक्सर हम घर में लगाते हैं, वो जिसको हम सर्वकुल बोलते हैं, देवदार को देवदार कुल, तो एल्बस पिंडू जैसे बुदुल वगैरह छुआना, तो ये अक्सर ये जो ट्रीज़ वगैरह पाए जाते हैं जब भी हम कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं या कहीं एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, ये सब ट्रीज़ हमें मिलते हैं रास्ते में भी या वहाँ पे भी। तो ओवरऑल सिक्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, अस्ट वाइल्ड स्टेट, लद्दाख वगैरह भी आता है। अब लास्ट स्लाइड जो है दैट इज़ व्हाट आर द कश्मीर में क्या क्या इंडस्ट्रीज है जिसपे इन पर्टिकुलर कश्मीर में कौन कौन सी इंडस्ट्री दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, जैसे इको टूरिज्म। तो टूरिज्म जो है इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारे हिल स्टेशंस है, गुलमर्ग, पहलगाम, दत्तपथरी है, और भी बहुत सारे हैं। तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे बेसिकली ये फॉरेस्ट दे एक्ट एज अ इको टूरिज्म। फिर टर्पनटाइन एंड रेजिन इंडस्ट्री, रेजिन होता है यहाँ पे तो नहीं पाया, बट इन साउदर्न इंडिया जो रेजिन्स होते हैं बेसिकली प्लांट्स की ट्विग्स पे छोटे छोटे जो रेजिन इंसेक्ट्स वो रेजिन्स रिलीज करते हैं, तो वो भी हम हासिल करते हैं। देन मलबरी वगैरह जो होते हैं वहाँ जो फॉरेस्ट से भी हमें मिलता है मलबरी, मलबरी जो प्लांट्स पे जो सिल्क वगैरह ग्रो करते हैं, गोल्डन सिल्क होता है, येलो सिल्क होता है, वाइट सिल्क होता है, वो हमें मिलता है फॉरेस्ट से। फिर कश्मीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज विल्लो इंडस्ट्री, बैट्स वगैरह जो बनते हैं विल्लो से, यथवा वीर छुआना,
तो उसके बाद ज्वाइनरी, प्लाई इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये कुछ और जनरलाइज्ड जो इंडस्ट्रीज है जो हमें फॉरेस्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो ये आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पे ख़त्म होता है।